मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम गोपी कुमार श्रीवास्तव। दिस इज द थर्ड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री एंड दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ द रूलिंग कंट्री साइड। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस मेनी टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर द रूलिंग द कंट्री साइड। आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट कंपनी बिकम दीवान, द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, द प्रॉब्लम, द न्यू सिस्टम डिवाइज, द मुंडो सिस्टम, the crop for the Europe. Now I am discussing about the does a color have a history, मतलब color का क्या history में कोई इतिहास में कोई काम है या कुछ value है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग पास हमारे दो टॉपिक हैं, इस टॉपिक को समझ लीजिए। जैसे यहाँ लिखा है मॉरिस कॉटन, लेट 19th सेंचुरी इन इंग्लैंड। इसको मॉरिस विलियम मॉरिस ने बनाया था। ये एक तरह का प्रिंट था जो कपड़ों में किया जाता था, ठीक है, इसलिए इसका नाम मॉरिस कॉटन प्रिंट दिया गया है। लेट 19th सेंचुरी का है ये। फिर एक कलमकारी आपका प्रिंट है जो आपका ऐसे 20th सेंचुरी में इंडिया में किया गया है कलमकारी, और इसे आप वीवर ऑफ आंध्र प्रदेश इंडिया में ही इसका जो है प्रोडक्शन या इसे लाया गया था, ठीक है। आप देख सकते हैं टू प्रिंट, ये दोनों जो प्रिंट है आप देख सकते हो ऊपर में, जो एक इंडिया का है एक जो विलियम नॉम्स का है इंग्लैंड में। बोथ यूज हाई ब्लू कलर, इसमें दोनों में आपको एक ब्लू कलर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ये जो प्रिंट किया जाता है इसमें ब्लू रंग की बहुत ही जरूरी पार्ट है। कॉमनली कॉल्ड इंडिगो, इन्हें हम इंडिगो कहते हैं जो ब्लू कलर होता है। द ब्लू डेट इज इन प्रिंट वॉज प्रोड्यूस फ्रॉम द प्लांट इज कॉल्ड इंडिगो। ये ब्लू जहाँ से ये प्रोड्यूस होता है उसे हम इंडिगो प्लांट कहते हैं, मतलब ये इंडिगो प्लांट से ही ये ब्लू हमें कलर मिलता है जिसे हम प्रिंट में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, प्रिंट का काम आता है। इट इज़ लाइकली डैट द ब्लू डाई यूज इन द मॉरिस, मॉरिस मतलब वो कि मॉरिस एक जगह है, ठीक है, और आपका इंग्लैंड में प्रिंट इन द 19th सेंचुरी ब्रिटेन वॉज मैन्युफैक्चर इन इंडिया प्लांट कल्टिवेटेड इन इंडिया, मतलब ब्रिटेन में जो जो वहाँ पे आपका प्रिंट हुआ करता था वो आपका जितना भी मैन्युफैक्चर होता था वो इंडिगो का, वो आपका इंडिया में ही हुआ करता था, उसका इंडिया में ही कल्टीवेशन हुआ करता था, और उस कल्टीवेशन के बाद उसे इंग्लैंड भेज दिया जाता था, मतलब मॉरिस भेज दिया जाता था उस इंडिगो को ताकि वहाँ पे गुड्स को प्रोड्यूस किया जा सके। इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ द इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। इंडिया उस समय सबसे ज़्यादा इंडिगो का प्रोडक्शन करता था, और इंडिया में जो प्लांट था वो बहुत ही बेहतरीन प्लांट था इंडिगो के लिए, जिससे वो कलर हमें ब्लू कलर मिलता था, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाई द डिमांड फॉर इंडिगो, इंडियन इंडिगो, मतलब अब यहाँ पे हम लोग देखना है कि जो इंडियन इंडिगो है उसका डिमांड क्यों बढ़ा है हमारे देश में, है ना। इन द लेट 13th सेंचुरी द इंडियन इंडिगो वॉज बींग यूज बाय द क्लोथ मैन्युफैक्चर इन द इटली, फ्रांस, ब्रिटेन टू डाई क्लोथ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि जो इटली है, फ्रांस है, जो ब्रिटेन है, उसे क्लोथ को डाई करने के लिए इंडिगो की जरूरत पड़ने लगा। हाउएवर द ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ द इंडियन इंडिगो रीच द यूरोपियन मार्केट एंड इट्स प्राइस वॉज वेरी हाई। और ज़्यादा गुड्स, ज़्यादा इंडिगो नहीं जाता था, थोड़ा सा ही जाता था, और इसके कारण उनका प्राइस भी क्या होता था, हाई हुआ करता था, जिसकी वजह से द यूरोपियन क्लोथ मैन्युफैक्चरर देयरफॉर हैड टू डिपेंड ऑन द अनदर प्लांट। इसकी वजह से जब प्राइस हाई हो जाता था इंडिगो का, भारत से जो इंडिगो जाता था, तो वहाँ का जो मैन्युफैक्चरर है वो दूसरे प्लांट पे निर्भर करता था इंडिगो प्लांट को छोड़कर। जैसे वहाँ पे जो यूरोपियन कंपनी या यूरोप में जो प्लांट हुआ करता था उसका नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, वुल्ड है, इसको आप नील या रंजक बोल सकते हैं, एक तरह का कलर होता है टू मेक द वायलेट बैंगनी कलर बनाने के लिए, एंड द ब्लू डायर, ओके, ब्लू डायर के लिए काम आता है। बींग अ प्लांट ऑफ द टेम्परेट जोन वुड वॉज मोर इजिली अवेलेबल इन द यूरोप, मतलब वहाँ टेम्परेट जोन है इसलिए वहाँ पे वुड मिलता है, और इंडिया में इंडिगो मिलता है। तो यूरोप में आप देख सकते हैं वुड का आपका इस्तेमाल होता था एज डाई करने के लिए, और यहाँ पे इंडिया में इंडिगो का इस्तेमाल होता है डाई करने के लिए। क्लोथ डायर्स हाउएवर प्रिफर्ड द इंडिगो, क्लोथ डायर को ऐसा लगता था कि इंडिगो से डाई करेंगे, मतलब कलर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इंडिगो प्रोड्यूसर रिच ब्लू कलर, इंडिगो में क्या होता था कि वहाँ पे ब्लू की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा होता था। वेयर इज द डाई फ्रॉम द वुड वॉज पेल एंड डल, मतलब वहाँ पे क्या होता था जो वुड का हम इस्तेमाल करते थे डाई करने के लिए, ठीक है, वो बहुत ही जल्दी उसका कलर उतर जाता था, वो उतना अच्छा नहीं रहता था, जबकि इंडिगो से जो कलर किया जाता था वो अच्छा हुआ करता था, और वो ज़्यादा दिन रहता भी था।
वॉरिड बाय द कंपटीशन फ्रॉम द इंडिगो, तो यूरोपियन कंपनी को ऐसे लगा कि इंडिगो जो है वुड को कंपटीशन दे सकता है, तो वुड प्रोड्यूसर जो था, जो वहाँ का प्लांट को प्रोड्यूस करता था जो यूरोप में, वुड प्रोड्यूसर इन द यूरोप, प्रेसराइज देयर गवर्नमेंट टू बेन द इम्पोर्ट ऑफ इंडिगो। अब वहाँ के जो यूरोप के जो प्रोड्यूसर हैं वो लोग बोले कि नहीं, इसे बेन किया जाना चाहिए, अगर इंडिगो आएगा तो वो लोग वुड कैसे कोई खरीदेगा, इसलिए वो चाहते थे कि वहाँ पे इंडिगो को नहीं आना जाए और उसे बैन कर दिया जाए। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी द ब्रिटेन बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज। 18th सेंचुरी के एंड में, मतलब 18th सेंचुरी जैसे जैसे खत्म होने लगा, जो ब्रिटेन है वो इंडस्ट्रियलाइज होने लगा, एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंडेड डायमेट्रिकली, क्रिएटिंग इनोमेरस न्यू डिमांड फॉर द क्लोथ डाई। अब वहाँ पर क्लोथ डाई का बहुत ही डिमांड बढ़ने लगा अचानक इंडस्ट्री आने की वजह से। वाइल द डिमांड फॉर द इंडिगो इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिंग सप्लाई फ्रॉम द वेस्ट इंडीज एंड अमरीका कोलैप्स फॉर द वैरायटी ऑफ रीजन। अब जो डिमांड था वो पहले इंडिगो का जो है वो बहुत सारा देशों से करता था, पर वो जो वेस्ट इंडीज है और आपका जो अमरीका है वो भी जो गिरावट हो गया, वो भी उतना तरह प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था प्लांट को, तो वो ख़त्म हो गया। बिटवीन 1783 एंड 1789 द प्रोडक्शन ऑफ द इंडिगो इन द वर्ल्ड फॉल बाय हाफ। अब इंडिगो का जो प्रोडक्शन था वो घट गया क्योंकि मार्केट यहाँ गिर चुका था वेस्ट इंडीज का और अमरीका का। क्लोथ डायर इन द ब्रिटेन नाउ डिस्पेरेटली, वो निराश हो गए, लुक फॉर द न्यू सोर्स ऑफ इंडिगो सप्लाई। अब उनको लगा कि वो इंडिगो का नया सप्लाई के लिए उन्हें जगह चाहिए ताकि वो आगे अपना काम कर सकें। नाउ वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट टॉपिक्स, द ब्रिटेन टर्न टू इंडिया। जब आपको वहाँ पे वेस्ट इंडीज, यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था जो कि जो डिमांड था वेस्ट इंडीज और जो आपका यहाँ पे अमेरिका जो था वो नहीं कर पाया पूरा, तब क्या किया ब्रिटेन टर्न टू इंडिया, मतलब ब्रिटेन इंडिया की और आशा की किरण की जैसा देखने लगा। फ्रॉम द लास्ट डिकेड ऑफ द 18th सेंचुरी इंडिगो कल्टिवेशन इन द बंगाल एक्सपेंडेड रेपिडली। अब बंगाल में क्या हुआ कि ब्रिटिश को ऐसा लगा कि इंडिगो जो है बंगाल में बहुत ही अच्छा से खेती हो सकता है, इसका प्लांट बहुत अच्छा है, तो क्यों नहीं इसे बढ़ाया जाए और अपने डिमांड को ख़त्म किया जाए। तो केम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट। अब इंडिगो क्या किया, डोमिनेट करने लगा पूरा देश में, पूरा वर्ल्ड में राज करने लगा इंडिगो, हर देश का डिमांड होने लगा। इन 1788 ओनली अबाउट 30% ऑफ द इंडिगो इम्पोर्टेड इन टू द ब्रिटेन। इंडिया से 1788 को सिर्फ 30% इंडिगो जाता था, जबकि आपका 1810 में 1810 में द प्रोपोर्शन हैड टू गो अप टू 95%। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंडिगो है वो आपका 95% हो गया है जो डिमांड था। एक्टेटेड बाय द प्रोस्पेक्ट, एक आशा का किरण था ऑफ हाई प्रॉफिट, कमर्शियल एजेंट एंड द ऑफिशियल एंड स्कॉटमैन एंड द इंग्लिश मैन केप टू इंडिया टू बिकम द प्लांटर एंड बिकम द इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। तो बहुत सारे जो ऑफिशियल थे, बहुत सारे जो एजेंट थे, उनको बाहर से देश में, हमारे देश में आने लगा, उनको लगा कि इंडिगो में इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा हम लोग कमा सकते हैं। तो देर इज लॉट्स ऑफ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक्स, आप इसमें बहुत सारा क्वेश्चन लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे ये बना सकते हैं, वाई द डिमांड फॉर इंडिगो इन इंडिया। और आपके पास बहुत सारा और भी क्वेश्चन जो है मैं PDF के अनुसार देने वाला हूँ, उसे भी आपको बनाना है इस टॉपिक से रिलेटेड, जितना भी मैंने पढ़ाया है उससे आपको ये सारा कंप्लीट करना है, ठीक है। और आगे भी बहुत सारा टॉपिक्स हैं, उसे भी मैं अगला वीडियो में आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो इस रिलेटेड सारा क्वेश्चन को आप देखें, सारा टॉपिक को देखें, और आप सभी क्वेश्चन को कॉपी में बना कर रखें, नोट डाउन करके रखें, ठीक है। थैंक यू।